क्या आप अपनी मनपसंद स्वीट्स के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, हमारी नई वीडियो देखें। क्या आप कहीं पर भी जाते हुए खाना छिपा कर कैसे ले जा सकते हैं? गुड आफ्टरनून, ये मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। अगला। ओह, मैंने पहले कभी उस तरह की यात्री को नहीं देखा। खैर, ऐसा लग रहा है लूसी को बहुत देर हो गई। गुड आफ्टरनून, ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। मुझे देखने दो। क्या तुम उसके बारे में भूल गए हो? नहीं नहीं, ये फ्लाइट के दौरान त्वचा का ध्यान रखते हैं। ओह, समझ गया, एक अच्छी फ्लाइट हो। कितनी अजीब लड़की है। मेरी योजना काम कर गई। ये खाना खाने का वक्त है। वाह, उसने तौलिए के नीचे नूडल्स का एक पूरा कटोरा छिपा लिया था। लूसी उतनी सीधी नहीं है जितनी आप सोचते हैं। बढ़िया भेस। वो क्या था? स्वादिष्ट। ये लंच टाइम है। वाह, ये डिशेस किस चीज से बनी हुई है? सोने से। गुड आफ्टरनून, क्या आप खाना पसंद करेंगे? मैं फ्राइज खाऊंगा, 5 टुकड़े प्लीज, और चाय। आह, बेशक, आप खाएंगे। एक मिनट, कंजूस। महंगे रेस्टोरेंट में लंच करना परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन पीट ने ज्यादा कीमतों के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। शुक्रिया। बढ़िया, कोई नहीं देख रहा, यही वक्त है। बस थोड़ा सा धोखा, लेकिन कितनी बड़ी खुशी। बिल्कुल सही, लेकिन मेरी मनपसंद ड्रिंक के बिना लंच का क्या मतलब? हाँ, मुझे अपनी सुखी जिंदगी से बहुत प्यार है। दाढ़ी बहुत सारे आदमियों के लिए गर्व की बात होती है, और स्नैक के लिए एक पॉपकॉर्न वाली दाढ़ी भी एक बढ़िया लाइफ हैक है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये तुम्हारी बारी है। कितनी असाधारण दाढ़ी है, मुझे भी चाहिए। हाथ दूर रखो। लेकिन एजेंट पर को किसी चीज पर शक हो रहा है। तुम तस्वीर में अपनी दाढ़ी के बिना क्यों हो? मैंने इसे कुछ वक्त पहले ही उगाया है। नहीं, यहाँ कुछ गलत है। हाँ, ये पॉपकॉर्न है, मुझे पता था तुम्हारी दाढ़ी नकली है। इसे निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें प्लेन पर नहीं चढ़ने दूंगा। हाँ, मेरी दाढ़ी बेहतर है। कुछ रेस्टोरेंट्स में वेटर अपराध को सख्ती से लागू करते हैं। फ्राइज, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। रुको, ये हमारी डिश नहीं है, यहाँ पर अपना खाना लाना मना है। लेकिन ये फ्राइज है, कम से कम इसकी छूट तो होनी चाहिए। कभी नहीं। ओ नहीं, मुझे अपना रोल बचाना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, मैं इसे मेन्यू में डाल देती हूँ। तो हो गया, ये काम करना चाहिए। अरे, वेटर कहाँ गया? मुझे डर लग रहा है। खैर खैर खैर, ये क्या है? यहाँ बाहर का खाना नहीं ला सकते। शांत हो जाओ, तुम्हें किसने कहा कि मैं अंदर खाना छिपा कर लाई हूँ? देखो, बेहतर होगा कि तुम अपना मेन्यू ढंग से याद कर लो। ठीक है, मैं गलत था, माफ करना। खैर, योजना जितनी आसान होती है उतना अच्छे से काम करती है। अपनी मनपसंद स्वीट्स के बिना ट्रिप का क्या मतलब? और इतनी सारी स्वीट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जोई लंबे वक्त के लिए जा रही है। ठीक है, अपनी योजना को करने का वक्त आ गया। इससे गार्ड का ध्यान भटक जाएगा। ये अजीब था, अपनी फ्लाइट के मजे लेना। अगला, आपके डॉक्यूमेंट्स प्लीज। खैर, क्या सब कुछ ठीक है? लगभग। खैर, क्या तुम्हारे बैकपैक में स्वीट्स है? मेरे पास कोई स्वीट्स नहीं है। अपना बैकपैक खोलो, आप बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम अभी इसकी जांच करेंगे। हाँ, ये रहा तुम्हारे झूठ का सबूत। मुझे अपनी फ्लाइट के लिए देर हो रही है। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। जाओ, मैं बिजी हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये मैंने कर दिखाया, मेरे स्वीट्स का खजाना मेरे साथ उड़ रहा है। गुड
गुड आफ्टरनून, ये रही मेरी टिकट। अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। चलो अंदर आ जाओ, अपनी फिल्म के मजे लो। शुक्रिया, मैंने कर दिखाया, अब मैं एक स्नैक खा सकती हूँ। वाह, ज़ोई उन शॉट के साथ कभी भूखी नहीं रहेगी। वाह, ये बहुत सारे सैंडविचेस हैं। लड़की, क्या तुम यहाँ खाना ला सकती हो? अगर तुम ये दिखावा करोगी कि तुमने कुछ नहीं देखा तो मैं तुम्हारे साथ कुछ बांट लूंगी। सौदा पक्का हुआ। हाँ, आखिरकार। खैर, हेलो मेरे यम्मी। ये बिल्कुल उतना ही गर्म है जैसा मुझे पसंद है। क्या तुमने कैंडी छिपा ली? हेलो, ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, लेकिन आप प्लेन पर स्वीट्स नहीं ले जा सकते। मैंने तुम्हें उनको छुपाने के लिए कहा था, मैं भूल गया हमेशा की तरह। वाह, गुड आफ्टरनून। हेलो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन मुझे तुम्हारे प्लास्टर को चेक करना होगा। शायद तुमने इसमें कुछ छिपाया हो। मैं वहाँ क्या छिपा सकती हूँ? ये टूटी हुई बाजू है। आप अपने यात्रियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बहुत बुरे हैं। मैं आपकी शिकायत करूँगी। एक मिनट रुको। वाह, बेचारी लड़की, मुझे माफ करना, ये बस मेरा काम है। अपनी फ्लाइट के मजे लो। कितनी शर्म की बात है, हमेशा मैं ही क्यों गलत होता हूँ। मैं खुद भी करने के लिए तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। आह, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस थोड़ा कलाकार होने की जरूरत है, मेरी तरह। हे, ये लो, मेरे पास सबके लिए काफी सारी स्वीट्स है। खाने का एक सच्चा दीवाना एक रेस्टोरेंट में भी अपना स्नैक लेकर जाता है। रॉबर्ट, देखो क्या लड़की है। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो, शुक्रिया, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। ये हो सकता है कि ना भी बुलाऊं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे रेस्टोरेंट के डिशेस से कुछ बेहतर है। मुझे इसी की जरूरत है। दोस्तों, तुम किसको देख रहे हो? मेरे पास सिर्फ एक ही सेब है। हम अपनी चाय में थोड़ा नींबू डालना चाहते हैं, क्या तुम इसे बांटोगी? ठीक है, मैं लालची नहीं हूँ। ये लो, बढ़िया। अरे नहीं, ये सिर्फ एक बेल्ट नहीं है, ये असली फल है। बाहर निकलो। ऐसा लग रहा है इस तरह की असाधारण फैशन ट्रिक ने अमांडा की मदद नहीं की। खैर, उसे थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। आहा, मुफ्त का नींबू, बढ़िया, इतना सबके लिए काफी होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि गार्ड बच्चों से उतना ही प्यार करता है जितना मैं हॉट डॉग से करती हूँ। ओह, कितनी छोटी बच्ची है, वो सो रही है। हाँ हाँ, मैं शांत हूँ। ये रही टिकट। कोई बात नहीं, आपका दिन शुभ हो। ओह, ये काम कर गया। मुहाहा। जब कभी भी अगर आप एक रेस्टोरेंट में अपना खाना छिपा कर ले जाना चाहते हैं, तो आपको एक सही ध्यान भटकाने वाली चीज की जरूरत पड़ती है। मेरी योजना काम करनी चाहिए, तो चलो इसे करते हैं। हेलो, हाँ ये मैं हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी कैंटी नहीं खरीदूंगा, मुझे डोनट से प्यार है। चीज पैराडाइज सैलेड में चार तरह की चीज होती है। ये चीखी कैसी है? नहीं, मुझे एक शांत जगह चाहिए। बाय, रुको। ओह, मैंने चॉकलेट फ्रॉस्टेड डोनट्स के 5 डिब्बों को ऑर्डर दिया था, वो कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। फिल्म की योजना बढ़िया काम कर रही है, किसी को भी शोर मचाने वाले मेहमान पसंद नहीं। बढ़िया, अब जब हॉल खाली है मैं अपनी अच्छी चीजें खा सकता हूँ। हाँ, मैं जीनियस हूँ। डेट के लिए एक रेस्टोरेंट में डिनर अच्छा होता है। मैं अभी वापस आती हूँ। लेकिन क्या होगा अगर आप महंगे रेस्टोरेंट का खाना नहीं खरीद सकते? बिल्कुल, इस परेशानी का हल मिल गया है। मेरा सलाद किसी भी शेफ की डिश जितना अच्छा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपना खाना दूर रखो। चलो एक सौदा करते हैं, तुम मेरा खाना छोड़ दो और मैं इस डिनर के बाद काम करूंगा। सौदा पक्का हुआ, शुक्रिया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि फिल की किस्मत आज अच्छी है, पीट एक दयालु वेटर है। ये लो, बस थोड़ा सा और हो गया। वाह फिल, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। शुक्रिया डार्लिंग, बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हें पसंद है। हे, मोमबत्ती का क्या? ठीक है, मैं इसे खुद जलाता हूँ। डिनर बढ़िया था,
तुम सबसे अच्छे हो। शुक्रिया हनी। खैर क्या हम चलें? इतनी जल्दी नहीं। और पेट उस तरह का नहीं है कि फिल को आसानी से जाने दे। आपको कौन सा लाइफ हैक सबसे अच्छा लगा हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएं। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों।